नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने जमाने की बेस्ट एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बारे में। जी हाँ, कपूर खानदान की वो लाडली पुत्री जिनका पूरा खानदान ही फिल्म एक्ट्रेस से भरा पड़ा है। लेकिन आप क्या आप जानते हैं कपूर खानदान की इस लाडली के फिल्मी करियर के कुछ अनसुने किस्से? तो आइए बात करते हैं उनके बारे में। ईमान था, शिक्षा थी, उम्मीदें थी कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मेरा घर होगा, गृहस्थी होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रणधीर कपूर और बबीता की बड़ी बेटी करिश्मा कपूर के बारे में। जी हाँ, करिश्मा कपूर, वैसे तो घर में उन्हें प्यार से लोलो बुलाया जाता था, जिनका जन्म हुआ है 25 जून 1974 को। वैसे तो घर परिवार में सारे बड़े बड़े फिल्मी एक्टर्स मौजूद थे, लेकिन कपूर खानदान की परंपरा रही है कि बेटियां फिल्मों में काम नहीं किया करती। लेकिन लोलो यानी करिश्मा कपूर ने तो कुछ और ही ठान लिया था। फिल्मों में काम करना उनका बचपन से ही इरादा था। माता पिता के बीच चल रही अनबन और शिक्षा अधूरी छोड़ने के बाद 17 साल की उम्र में ही करिश्मा कपूर ने फिल्मों में कदम रख दिया था। और फिर आई थी पहली फिल्म रिलीज हुई थी 1991 में प्रेम कैदी। परसों मैं बालिग हो जाऊंगी और दादी जबरदस्ती मेरी शादी किसी दूसरे से कर देंगे, मगर मैं चंद्रू के सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। शुरुआत की कुछ फिल्में इतनी कामयाब नहीं हासिल कर पाई, लेकिन धीरे धीरे अपने टैलेंट और मेहनत की बदौलत सफलता मिलने लगी। और फिर आई जिगर, अंदाज अपना अपना, तेलुगु सुपरस्टार वेंकटेश के साथ बनी फिल्म अनारी की सफलता ने करिश्मा कपूर को एक बेहतरीन फिल्म एक्ट्रेस के रूप में एस्ट्रा। और फिर आई 1994 की राजा बाबू। अरे भाइयों तथा बहनों, ये धर्मेंद्र जी कहां से टपक पड़े? साउथेंद्र, धर्मेंद्र। राजा बाबू ने इंडस्ट्री को एक नई ऑन स्क्रीन जोड़ी बना के दी, और वो जोड़ी थी करिश्मा कपूर और गोविंदा की। करिश्मा कपूर और गोविंदा के साथ हिट फिल्मों की जड़ी लग गई थी। कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, मुकाबला, साजन चले ससुराल और खुद्दार। की वो फिल्म जो करिश्मा कपूर के लिए मील का पत्थर साबित हुई वो